धर्म में कोई भेद नहीं है। वैसे भगवान वेदव्यास साक्षात विष्णु के अवतार हैं और वैसे ही भगवान शंकराचार्य स्वयं शिव के अवतार हैं। एक विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने शिव पुराण की रचना की और एक शिव के अवतार हैं जिन्होंने ये मणिकर्णिकाष्टकम भी रचा है। शिव और विष्णु दोनों का जहां पर समन्वय हो रहा है ऐसी ये काशी की भूमि है। इस काशी नगरी का प्रादुर्भाव ही पहले ये भगवान विष्णु की भूमि थी, विष्णु की नगरी थी, फिर भगवान शंकर ने ये ले ली, ऐसा स्कंद पुराण का वर्णन है। तो जहां हर और हरि में कोई भेद नहीं है, जहां हर भी वही है हरि भी वही है, यहां पर भी हर और हरि दोनों का समन्वय करने का प्रयास है। आजकल लोग भगवान के एक ही नाम या एक ही स्वरूप के पीछे पड़कर दूसरे स्वरूप का विरोध करने लगे हैं। हम एक बार गए थे चार धाम की यात्रा में, अशोक भाई भी साथ में, और उस वक्त एक विवाद उनके साथ ही हुआ था। मेरा तो कुछ लेना देना नहीं हुआ लेकिन अशोक भाई के साथ ही विवाद हुआ था। मुझे याद है वो वैष्णव लोग थे। अब उनका विरोध यही था कि वो बालकृष्ण की ही पूजा करेंगे, युवान कृष्ण की नहीं करेंगे। अब बालकृष्ण और युवान कृष्ण में भी अगर विरोध है तो शिव और हरि का तो सामित्य कहां से होगा, एक रूपता कहां से होगी, वो एक है ऐसा प्रतिपादन कहां से होगा। जहां इतना वैर है, इतनी दुश्मनी है, अरे कई वैष्णवों को हमने देखा है जो शिव शब्द का उच्चारण तक नहीं करते। गुजराती में अपने कपड़ू सीवड़ावू छे, उ कहिए सीवड़ावू ना बोले खिलववू बोले, अमे कपड़ू खिलववा जाइए छे, केम के सीवड़ावू बोले तो शिव आवे छे। और जिनकी शिव से इतनी कोई अगर घृणा है या शिव शब्द से इतना विरोध है उनकी कभी मुक्ति की संभावना नहीं, न शिव से न विष्णु से। और हरि और हर तो एक ही है, दो है ही नहीं, दो स्वरूप है, अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में परमात्मा एक ही है। भगवान एक होते हुए भी अन्यान्य स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। भगवान जब चाहे जैसा चाहे रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव, वैसा स्वरूप धारण करते हैं। और ऐसा स्वरूप भगवान जब चाहे त्रिशूल हाथ में ले ले तो शिव बन जाते हैं और जब चक्र हाथ में ले तो विष्णु बन जाते हैं। बात एक ही है, परमात्मा एक ही है। अरे हमारे यहां एक संप्रदाय चलता है ब्रह्मा कुमारी, तुमने नाम सांभळ्युं छे भाई? जेने पुण्य वोटू होय एने एनाथी बचीने रहेवू, जेनु पुण्य खलास थयुं होय बधाय जवानी छूट। एक वार पंडित जी मने समझावता था, एक ब्रह्मा कुमारी वाला बेन एमनी जोड़े आयेला ने अमे त्यां बैठेला अने त्यां वात थई तो क्या ब्रह्मा कुमारी में अमे लोग जाइए छे। पंडित जी बहुत सरस उदाहरण आप, पंडित जी ने कहा जिन लोगों का सर्वोत्कृष्ट पुण्य उदय होता है या जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो मनुष्य योनि में से जब मुक्त होते हैं तब देव योनि को प्राप्त करते हैं, लेकिन देव योनि को प्राप्त करने के बाद जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब फिर मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य में पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर पुण्य कम हो तो वैश्य बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं, और उनके भी पुण्य क्षीण हो जाए तो फिर वो पशुओं की योनियों में जाते हैं, फिर गाय आदि बनते हैं, फिर भैंस आदि बनते हैं, फिर उससे भी पुण्य कम हो जाए तो कुत्ते आदि बनते हैं, उससे भी अगर पुण्य खत्म हो जाए तो फिर वो कृमि कीटकों की योनि में जाते हैं, कीड़ी मकोड़ा वंदा आवा बड़ा प्राणियों जन्म ले थे, और उससे भी अगर उनके पुण्य कर्म कम हो जाते हैं तो वो स्थावर योनि में जाते हैं, जाड़ बनते हैं, पान बनते हैं, वेले बनते हैं। और उनसे भी जिनके पुण्य कम निम्न कक्षा के हो जाए एनाथी पण जेना नीचा कर्म थई जाए ये ब्रह्मा कुमारी में जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं, मैं उनका उल्लेख और नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो भी मूर्ख ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि शिव और शंकर अलग है। शिव और विष्णु की बात छोड़ दो, शिव और शंकर अलग है, ऐसी जिनकी धारणा है। अब अच्छा है पंडित जी तो कहते हैं कि उनको दो ही नाम आते हैं इसलिए शिव और शंकर बोलते हैं, अगर नीलकंठ पता होता तो कहते तीनों अलग है, अब दो ही नाम आते हैं तो कह दिया कि दो अलग है। भगवान शिव के सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नामावली, और आप विष्णु सहस्त्र का तो पाठ करते ही है, आप सबको पता है भगवान विष्णु के भी 1000 नाम है।
और देवी के देवी सहस्त्र नाम और गणेश 1000 तो इसलिए बोल रहे हैं कि हजार नाम का पाठ होता है। भगवान के कई नाम है, हजारों नाम है, परमात्मा के नाम अनेक है और रूप भी अनेक है। भगवान के जितने रूप है उतने नाम है, जैसा जैसा काम किया नाम बदलता गया और इसीलिए भगवान शिव उनके भी 1000 नाम है। शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। जो शिव और विष्णु में भेद बुद्धि रखता है, शिव पुराण में ही आगे कथा है और शिव पुराण में उसका वर्णन भी है। भगवान शिव ही कहते हैं कि यो ये च मूढ़ा दुरात्मनो भेदः पश्यन्ति माम हरे। मुझमें और विष्णु में जो लोग भेद बुद्धि की देखता है उनकी क्या गति होती है? ब्रह्म हत्या समम त्वघम, ब्रह्म हत्या समम त्वघम, ब्रह्म हत्या के समान उसको पाप लगता है। ब्रह्मानंत ततस्तस्मात्, और ब्रह्मा के भी वैसा ही है, ब्रह्मा भी मेरा ही स्वरूप है। अगर भगवान शिव ये कहते हैं कि मेरे और विष्णु में जो भेद देखता है उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, फिर इन दुर्बुद्धियों को कौन समझाए कि शिव और विष्णु भी एक है, शिव और शंकर नहीं, अरे गोपाल कृष्ण और बड़े कृष्ण नहीं, बाल कृष्ण भी वही है और युवा कृष्ण भी वही है। एक बार तो एक संत एक गांव में गए, अब संत गांव में गए उनको पता था ये गांव पूरा वैष्णवों का है, तो उन्होंने अपने प्रवचन की शुरुआत करते समय, हालांकि संत थे, दंडी सन्यासी भी थे, वो शैव को मानने वाले भी थे और शिव के भक्त थे, तथापि उन्होंने देखा कि हर और हरि में कोई भेद नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा सबको बोला जय श्री कृष्ण, तो सब चुप, कोई बोले ही नहीं। अब दूसरी बार बोला जय श्री कृष्ण, फिर भी कोई नहीं बोले। उन्होंने सरपंच को बुलाया और सरपंच से कहा आप सब वैष्णव हैं ऐसा मुझे सुनने में आया था। बोले हाँ सही है महाराज, हम वैष्णव है, तो मैं जय श्री कृष्ण बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं बोल रहे? बोले हम तो जय जय श्री गोकुलेश बोलते हैं ना, इसलिए जय श्री कृष्ण नहीं बोलते। अब ये मूढ़ लोग हैं, जय जय श्री गोकुलेश में और जय जय श्री कृष्ण में क्या फर्क है, जिसमें कोई अंतर है ही नहीं तथापि अंतर उपस्थित किया जाता है। ये भ्रांत कल्पनाएं लोगों के दिमाग में ठूस दी जाती है और इसे ही कहते हैं पंथ। गुजराती में आपने जेने वाड़ो कहिए ने, वाड़ा को ना होए भाई, गेता ना होए, बकरा ना होए, सिंह ना कोई दिवस वाड़ा होए, आ बदा वाड़ा में पुराई गयेला लोको छे, ए एमांथी बहार निकलवा मांगता ज नथी, अने एटला माटे वारंवार कहेवू पड़े छे कि हरि अने हर एक छे। यहां पर हरि है, यहां पर हर है, हरि और हरि की दोनों की रचनाओं को यहां पर प्रस्तुत करना यही अच्छा समझा गया, और इसीलिए दो सत्र में मणिकर्णिकाष्टकम यहां पर प्रवचन करने का विषय रखा गया।